हाय दोस्तों, कोडर जावा ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, और हमने देखा कि रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, मेथड्स के थ्रू और कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं हाउ मैनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। तो स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप कोडर जावा ट्यूटोरियल डॉट कॉम पर जाकर आप कंटेंट को डीपली पढ़ सकते हैं और प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो बच्चों बने रहिए कोडर के साथ, आप YouTube पे भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप YouTube पे भी जा सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप कंटेंट भी जाकर कोडर जावा ट्यूटोरियल डॉट कॉम पर जाकर आप कंटेंट को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। देर आर फाइव डिफरेंट वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा यूजिंग बाय न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या होता है? न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और ये जो भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है उसको मेमोरी कहाँ मिलती है? हीप के अंदर। उसके बाद बाय यूजिंग न्यू इंस्टांस, उसके बाद बाय यूजिंग न्यू इंस्टांस मेथड और कंस्ट्रक्टर क्लास, फोर्थ होता है वो होता है बाय क्लोन मेथड, और फिफ्थ होता है बाय यूजिंग डी सीरियलाइजेशन। तो बच्चों अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। आज मैं आपको ये चार के एग्जाम्पल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से क्रिएट होता मैं आपको वो बताऊंगा। और आने वाले समय में जब ये टॉपिक आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, जब हम क्लोन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम क्लोन मेथड का यूज़ करते हैं, क्लोन का यूज़ करने के बाद हम बनाते हैं। जब हम सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम जानेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब न्यू इंस्टांस मेथड आएगी तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको केवल बताने वाला हूँ। तो पहला देखें यहाँ पर, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो हमने सबसे पहले, आप सभी को पता है, दिस इज अ क्लास नेम, C1 आपका रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू आपका कीवर्ड है, और ये क्या करता है, न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और हीप के अंदर जो भी इसकी वैल्यू है उनको स्टोर करता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद आता है सेकेंड, बाय यूजिंग न्यू इंस्टांस, तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है, क्लास हमने C1 लिया है, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, क्लास डॉट फोर नेम मेथड। आपको याद होगा क्लास डॉट फोर नेम मेथड, हमने आप इस फोर नेम मेथड का हम लोग JDBC के अंदर बहुत सारी जगह करते हैं। जब हम ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर हमने क्लास नेम कोडर डाला, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बनाया न्यू इंस्टांस के थ्रू। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाय यूजिंग न्यू इंस्टांस मेथड फॉर कंस्ट्रक्टर क्लास, तो यहाँ पर देखिए हमने कंस्ट्रक्टर रहेगा, कंस्ट्रक्टर कोडर क्लास गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना, तो यहाँ पर आपकी क्लास तो कोडर है, यहाँ पर हमने ये रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया है, न्यू इंस्टांस क्रिएट किया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बाय यूजिंग क्लोन मेथड, तो ये हमारी क्लास नेम है, तो C1 हमने बनाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आपको बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट बनाना है, जो C1 जैसा C1 है बिल्कुल इसका डुप्लीकेट बनाना है, रेप्लिका बनाना है, तो आप क्लोन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, क्लोन मेथड यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर एक C2 ऑब्जेक्ट बनाया है, कोडर का रेफरेंस लेकर C1 डॉट क्लोन कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्लोन करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और कैसा बनेगा, जैसा हमारा क्लोन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। उसके बाद डी सीरियलाइजेशन,
हम देखेंगे जब हम यहाँ पर इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से हम डीसीरियलाइजेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रीड ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर C3 हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है इस इनके थ्रू। ये आपका एक रेफरेंस वेरिएबल है और इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और इसके थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रीड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या बनाया है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद बच्चों आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, व्हाट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बहुत सारी जगह एनोनिमस का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट की, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेमलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट इन जावा, इट इज क्रिएटिंग विदाउट रेफरेंस वेरिएबल। आप इसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हो। रेफरेंस वेरिएबल आपको सभी को मालूम है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोडर C1 न्यू कोडर, तो यहाँ पर आपका C1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। जब हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हैं, तभी तो एनोनिमस होगा, क्योंकि विदाउट नेम के ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इट इज़ क्रिएटिंग विदाउट रेफरेंस वेरिएबल एंड इट इज़ यूज एट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दिस इज सिंगल टाइम यूजेबल ऑब्जेक्ट, आप इसको सिंगल टाइम में ही यूज़ कर सकते हो, आप इसको मल्टी टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो बच्चों। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे न्यू प्राइम नंबर एक हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस एनोनिमस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ, प्राइम नंबर का प्रोग्राम किस तरीके से हम, क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर हमको किसकी ज़रूरत है, एक ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमको नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्लास ली है प्राइम नंबर, इसके अंदर एक मेथड बनाया है प्राइम। इस मेथड के अंदर हमने क्या लिया है, कैसी मेथड है हमारी, पैरामेट्राइज मेथड है, ठीक है। इसके अंदर हमने लॉजिक लगाया है, इसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है, उस लोकल वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट है बच्चों। इस काउंट के अंदर हमने कितनी वैल्यू दी है, इसको 0 दिया है। अब इसके बाद में हमने एक फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप के अंदर हमने इंट आई एक लोकल वेरिएबल लिया है, आई को कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक चलाया है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम, और उसके बाद आई को प्लस प्लस किया है। ये नम क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, जो हमारी हम वैल्यू देंगे प्राइम मेथड को वो इसके अंदर आएगी, और ये नंबर तक हमने चला दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इफ नंबर मॉड बाय आई इक्वल्स टू 0। अब आपको बच्चों मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हम दो साइन यूज करते हैं, एक साइन होता है, इसके लिए नोट पैड ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम नॉर्मली दो साइन यूज करते हैं, एक आपका ये साइन होता है और एक आपका साइन होता है परसेंटेज का, तो इसको आप मॉड भी बोलते हैं और ऊपर वाले साइन को डिवीजन बोलते हैं, तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है प्रोग्रामिंग में। जैसे मैंने यहाँ पर 11 मॉड 2 किया, ठीक है, और यहाँ पर 11 डिवाइड 2 किया, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो आपका मॉड होता है वो आपका क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो जब हम 11 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, और ये आपका डिवीजन साइन होता है। जब हम 2 में 2 से 11 का डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्वोशंट। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्वोशंट, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्वोशंट। तो क्वोशंट यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, आपको मालूम है 5। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो हम मॉड का यूज करेंगे, और जब भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, डिवीजन साइन का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जब भी हम जो भी हमारा नंबर आए उससे हम क्या करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे, और अगर वो नंबर हमारा 0 के इक्वल्स टू होगा तो क्या होगा, हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट अगर प्लस प्लस हुआ तो क्या होगा, यहां पर आपका काउंट का नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो
तो नंबर प्राइम हो जाएगा, और अगर पो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। तो यहां पर हमने क्या किया है, देखो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू प्राइम नंबर और डॉट प्राइम मेथड को कॉल किया, और यहां पर हमने क्या पास कर दिया है, वैल्यू पास कर दी है। तो यहाँ पर 13 के लिए चेक करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2 को हम प्राइम में नहीं कैलकुलेट करते, 3 से ले सकते हैं, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, खुद से मतलब उसी नंबर से, जैसे 9 है। अब 9 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। 8, 8 को 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, नहीं होगा। 7, 7 आपका प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 आपका प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि जो भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो उनका डिवाइड का काउंट हमेशा 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है, वो हमेशा लाइफ में 2 बार ही डिवाइड होते हैं, खुद से और 1 से। इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा है, काउंट का यूज किया है बच्चों। तो यहां पर हम लोग फटाफट इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं बच्चों, और इसको हम इक्लिप्स में चलते हैं, और इक्लिप्स में चलने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आपका प्राइम नंबर बनकर रेडी है। अब इस प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो 13 हम चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो नंबर इज अ प्राइम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखिए इसको मैं 12 कर दूंगा। तो 12 का काउंट कितने बार हो जाएगा भैया बताओ, 12 होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा इसका काउंट हो जाएगा, 12 से भी होगा, 1 से भी होगा। तो आप यहाँ पर देखिए आपका क्या जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। अब हम बात करते हैं 7 की। तो 7 के बारे में अगर बात करें, तो 7 मैंने लिखा, तो 7 के बाद मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो देखता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, नंबर इज प्राइम। अगर आपको देखना है कि काउंट कितने बार चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पर आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, किसको, काउंट को, ठीक है, हम काउंट को प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 7, 7 मतलब कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार। तो काउंट की वैल्यू कितनी आना चाहिए भैया, 2 आना चाहिए। तो आंसर कितना आना चाहिए, देखिए 2 आया। अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 हम देखते हैं, 12 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा, मतलब 5 आना चाहिए। कितना काउंट आना चाहिए भैया, 5 आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 5 आएगा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ओ सॉरी 6 आएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा, हाँ 6 टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या आया, काउंट 6 आया बच्चों। तो आई थिंक आपको ये प्राइम नंबर बच्चों बहुत सारे इंटरव्यूअर भी आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे सरल वे तरीका है प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए। जितने भी हमारे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जावा के बिगिनर्स हैं, जितने भी हमारे जावा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का। आप प्रोग्राम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट था वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं। और बच्चों आपको एक और चीज बता दूं, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो आपने इससे पहले इस तरीके का कंस्ट्रक्टर के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किस टाइप के, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप कंस्ट्रक्टर के लिए बने रहिए, ठीक है, और तब तक के लिए बने रहिए कोडर के साथ। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बनाने वाले हैं बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए कोडर के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।